अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वी होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। तो है ना, हम लोग कुछ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, लाइक यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो हेल्थ का फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोग के साथ हुआ है, हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। तो आज सोचा कि हम लोग आप लोग के साथ यहाँ का एक्चुअल में जो होता है, यहाँ पे कैसा रिस्पांस है वहाँ का मेडिकल का, और क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स का क्या रिस्पांस है, तो ये आज सारा चीज़ आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री नहीं, डेंटल एंड विजन जो है वो फ्री नहीं है। बाकी आपका जो भी हेल्थ का इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड टेस्ट हैं, या फिर जो भी आप दिखाने जाते हैं क्लिनिकल, अगर आपका हेल्थ कार्ड बना है तो सब फ्री में होता है। तो हम लोग जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो भी देखा है, बहुत लोग इसे अच्छा भी बोलते हैं, बहुत लोग तो बिल्कुल ही बकवास बोलते हैं कि यहाँ पे एक एक सर्जरी कराने के लिए आपको एक एक साल का वेट करना पड़ता है, और जो कि सच भी है, ऐसा नहीं कि ये झूठ है, ये सच है कि अगर आपका कोई मेजर सर्जरी है तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 साल का वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग की कमी है, नर्सेस की कमी है। और प्रॉब्लम हमें ऐसा लगा कि हर एक सिटी में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। सबसे पहला बात, यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है वो सारा पब्लिक है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हॉस्पिटल है सब गवर्नमेंट चलाते हैं, इस वजह से यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल्स एक भी नहीं है। तो आपको नहीं करके भी आपको अपना जो भी कराना है वो आपको पब्लिक हॉस्पिटल में ही करवाना पड़ेगा। तो बैक होम कंट्रीज़ में कैसा होता था कि वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक है, आप पैसा दे के आप वहाँ पे अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करा सकते हैं, जो भी आपका जो भी आपकी परेशानी आप जाके दिखा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये डॉक्टर ठीक नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि कुछ भी अगर आपको फ्री मिल रहा है तो आपको उतना फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वॉक इन क्लिनिक है, फैमिली डॉक्टर है, राइट? और फैमिली डॉक्टर में ऐसा है कि आपको यहाँ पे ज़्यादातर वॉक इन क्लिनिक उतना अच्छे से नहीं देखते, फैमिली डॉक्टर देखते हैं पहली बात। बट यहाँ के डॉक्टर्स को उतनी अथॉरिटीज़ नहीं है कि वो हर एक मेडिसिन दे दें, चाहे वो फैमिली डॉक्टर, इवन फैमिली डॉक्टर भी क्यों ना, क्योंकि वो केस भी हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनका हम देख चुके हैं कि उनके साथ भी उनका हुआ था। तो उनके भी फैमिली डॉक्टर हैं, बट फिर भी उनको ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं दिया था, बस उनको रेस्ट करने के लिए बोला था, राइट? राइट। तो यहाँ पे फैमिली डॉक्टर होना भी ये नहीं है कि आपको बहुत आराम हो गया, वो भी नहीं है। हाँ, तो जैसे कि हमारे बैक होम कंट्री में ऑप्शंस हमारे पास थी कि हम पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपने ट्रीटमेंट करवा सकते थे खुद के खर्चे पे। ऑब्वियसली हमें पेन है अभी, तो हम 1 साल का वेट कैसे कर सकते हैं, राइट? तो अभी उसका क्योर अभी होना चाहिए, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, उस टाइम पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। और हमारे पास ये भी ऑप्शन होता था कि ये मेडिकल इंश्योरेंस ले ले या मेडिक्लेम वाला, ये सब भी ऑप्शंस होते थे कि साल साल आप पैसा दे रहे हो, अगर खुदा न खास्ता कभी कुछ हुआ ऐसा तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपका जो भी कवरेज, जो भी एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सब बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको हर एक सिटी में, जैसे हम लोग एजैक्स में रहते हैं तो एजैक्स में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, फिर ऑशवाल में एक ही हॉस्पिटल है, वहीं पे सारे पब्लिक जो है वहीं पे जाते हैं। तो ऑब्वियसली लाइन लगाना पड़ेगा, क्यू बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग के साथ ये हुआ कि हम लोग इमरजेंसी में गए थे, तो हिना का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम लोग इमरजेंसी में गए थे। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं, हम इमरजेंसी में गए तो इमरजेंसी में जा के सबसे पहले हमें टोकन लेना होता है, कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी होंगी तो वो बेसिक चीज़ पूछेंगी आपकी कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ रीज़न क्या है आने का। तो वहाँ पे आपको रीज़न फिल करना पड़ेगा, छोटे से उसमें भी लिमिट है कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ है। तो वहाँ रीज़न भरने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा, टोकन लेके आपको बैठना पड़ेगा, वहाँ पे कम से कम 50 लोगों का भीड़ है ऑलरेडी, ठीक है? तो फिर वहाँ जब आपका नंबर आएगा, अब डिपेंड करता है कितने लोग हैं वहाँ पे। हमारा नंबर तो अराउंड 1 घंटे के बाद आ गया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 1 घंटे के बाद आए। तो खैर, तो 1 घंटे के बाद आ गया, उसके बाद हम लोग और एक, मतलब हम लोग का नंबर आया तो हम लोग अंदर गए। अंदर में वहाँ पे एक नर्स बैठी होती है, नर्स आपसे पूरा सवाल पूछेंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, नहीं या बेसिक जो भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है, बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट? ब्लड प्रेशर देखेंगे, एग्जैक्टली आपका ब्लड, अगर आपका ब्लड यूरिन टेस्ट कराना है तो वो कराएंगे, SpO2 चेक करेंगे, वो पूरा आपका एक
रिपोर्ट बना देंगे ताकि आपको वो डॉक्टर को आगे रेफर करेंगे, तो डॉक्टर आपके रिपोर्ट चेक करके ही आपको बताएंगे, तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। राइट, तो वहाँ से निकलने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना पड़ेगा अपना हेल्थ कार्ड लेके। तो हेल्थ कार्ड लेके आप रजिस्टर करने गए, उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप वेट करो, आपका बुलाया जाएगा, नाम आपका कॉल आउट किया जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे बैठे, उसके बाद करीब आधा घंटा एक घंटे के बाद हमारा नाम कॉल आउट किया गया। तब वहाँ जाके हम लोग एक्चुअल इमरजेंसी रूम जो होता है वहाँ पे गए, वहाँ पे देखा कि हाँ ये एक्चुअल में इमरजेंसी रूम है जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद, 10-15 मिनट बैठने के बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने सारा कंसल्ट किया और हमें ऐसा फील हुआ कि डॉक्टर वहाँ पे सही बोला होगा, हो सकता है हम लोग गलत हो, लेकिन उन लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि पेशेंट को एडमिट ना करना पड़े। एग्जैक्टली राइट, हमें ऐसा फील हुआ कि उन लोग ये चाह रहे थे कि हाँ घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि घर पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन उन लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि घर पे ट्रीटमेंट हो और हॉस्पिटल में एडमिट ना करना पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका उतना ज़्यादा मेजर नहीं है और आप एक बेड बुक कर लोगे तो फिर एक जो मेजर पेशेंट है उसका ये प्रॉब्लम हो सकता मतलब है, ऑक्यूपाइड हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो हमें ये फील हुआ, अब सच क्या है झूठ क्या है वो हमें नहीं पता, बट खैर हमारा जो प्रॉब्लम था वो घर पे क्योरेबल था, तो इस वजह से हमें उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग 2 वीक वेट कीजिए, आप अपना घर पे ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जो भी उनको डायग्नोस करना पड़ेगा। वो इसलिए बोले थे डॉक्टर के पास जाने के लिए क्योंकि फैमिली डॉक्टर नहीं है, तो जो वॉक इन क्लिनिक वाले डॉक्टर हैं वही हम लोग को देखते हैं, हम लोग को अगर कुछ होता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप उनसे ही सजेशन लीजिए, कोई और डॉक्टर आपको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको देख रहा है वही आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वही आपकी कंडीशन को चेक करेगा और आपका क्या है कंडीशन देख सकते हैं, अगर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तब वो आपको देंगे। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि डॉक्टर्स को भी इतनी परमिशन नहीं है कि वो हर दवाई दे दें आपको, हर मेडिसिन दे दें, इंजेक्शन लगा दें, ऐसा वाला नहीं है। एक भी मेडिसिन नहीं दिया डॉक्टर ने, एक भी मेडिसिन नहीं दिया, ना हमें वॉक इन क्लिनिक जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कोई मेडिसिन दिया। सब चीज़ बोले कि आप आराम से अच्छे से खाओ, 2 हफ्ते वेट करो, रेस्ट करो, उसके बाद डायग्नोस कुछ टेस्ट लिख दिया, टेस्ट कराओ 2 हफ्ते बाद वो टेस्ट। हाँ, ब्लड। तो डॉक्टर भी हम लोग को यही बोले कि आप अपने वॉक इन क्लिनिक में जाइए और वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जब हम लोग वॉक इन क्लिनिक में गए तो वहाँ के डॉक्टर ने भी यही बोला कि आप रेस्ट कीजिए, खाना पीना अच्छे से खाइए और दो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद 2 हफ्ते बाद हमारे पास आइए, तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्योर हुआ है कि नहीं हुआ है एक्चुअली में। तो बस हमें ऐसा लगा, हमारे केस में तो ये पूरा डॉक्टर हॉस्पिटल का जो ये था मतलब विजिट था वो 2 घंटे के अंदर पूरा हो गया, लेकिन हर ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है। 2 घंटा इसको बहुत जल्दी माना जाएगा कि बहुत फास्ट काम हुआ हमारे सिनेरियो में। हम और मुझे एक मेरी कलीग है साथ में काम करती है, उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो कह रहे हैं कि 6:30 बजे उसी हॉस्पिटल में उसी इमरजेंसी इसमें डिपार्टमेंट में वो गई 6:30 बजे शाम में, तो वो कहती है कि 11:30 बजे तक, 11:30 बजे रात तक उसका नंबर नहीं आया था, वो वहाँ से चली गई। ठीक है, फिर 12 बजे के करीब उसके पास फ़ोन आता है, फ़ोन भी नहीं मिस कॉल आता है, बोलती है कि मिस कॉल आता है, तो वो कॉल बैक करती है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से, हाँ हॉस्पिटल से आया नंबर और आप नहीं थी। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मुझे सांस का थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसलिए मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि अंदर में थोड़ा सांस लेने में सफोकेशन हो रहा था, इसलिए मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट में पहुंच गई, तो उसका उस टाइम ट्रीटमेंट हो गया जो भी होना था। बट जस्ट इमेजिन 6:30 बजे से लेके 12 बजे रात तक आपको पूरा टाइम निकाल के वहां पे बैठना पड़ेगा कि पता नहीं कब मेरा नंबर आए। और यहाँ पे ओपीडीज का कोई वो नहीं है, जैसे हम लोग के हॉस्पिटल में ओपीडीज होता है, हम जाके मॉर्निंग में 5 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं तो दिखा लेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी है, फर्स्ट आपने इमरजेंसी में जाना है, चाहे आपकी सीरियस कंडीशन हो, चाहे आपका पेट में दर्द हो, चाहे आपको फीवर है, चाहे नॉर्मली हम जाते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं हमें ये चेक कराना है वो चेक कराना है, उसके लिए भी आपको इमरजेंसी ही जाना पड़ता है। तो इमरजेंसी में भी आप जाओगे तो आपको हो सकता है कैटेगराइज करें कि आपका इमरजेंसी कितना इमरजेंसी है, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस है तो आपको प्रायोरिटाइज करके आपका नंबर पहले आ जाएगा, अदरवाइज आप मिडिल में हो या लोअर इमरजेंसी में हो तो आप बैठे रहो, आप अल्लाह को मालूम आपका नंबर कब आएगा, 4 घंटा लग सकता है, 5 घंटा। हम लोग को ये भी पता चला इस बीच के, ऐसा भी होता है कि किसी की कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती है बट वो रो रो के राइट कि हमें प्लीज जल्दी देख लो हमें ये परेशानी हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए, तो ये भी एक चीज है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है
फ्री है, बट फ्री के नाम पे अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हो तो ही बेस्ट है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप बीमार, कोई मेजर सिम्टम्स है आपका, तो फिर खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, हॉस्पिटल के तो बड़े चक्कर काटने बहुत पड़ेंगे। चक्कर, इसलिए ज़्यादातर मोस्टली जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, अपनी होम कंट्री में जाते हैं, वहीं पे भी अगर उनका कोई दांत का या कोई भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट है या फिर पूरा एग्जामिनेशन कराना है, होल बॉडी एग्जामिनेशन कराना है, सब अपने घर करा के आते हैं, जो भी अपना चेकअप ट्रीटमेंट बिल्कुल, सब वहाँ से लेके आते हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंस। तो और अभी हमें 9 महीने हो गया, अभी तक हमें फैमिली डॉक्टर नहीं मिला है हमारा, तो हम लोग सिर्फ वॉक इन क्लिनिक्स में ही जाते हैं। जो भी फैमिली डॉक्टर्स मिल रहा है वो दूसरे सिटी में, या तो स्कारब्रो में है या मिसिसागा में है, तो इतना दूर जाने के लिए 1 घंटा तो लग जाएगा जाने में, और फिर वहाँ जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना, ऑब्वियसली पहले से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, बट स्टिल लाइक आने जाने का 1 दिन पूरा आपको निकालना पड़ता है, निकालना एक पड़ता सिर्फ डॉक्टर का विजिट के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई ओपीडी नहीं है, आपको कान में दर्द है, आँख में कोई प्रॉब्लम है, या फीवर है, या कुछ भी है, आपको इमरजेंसी में ही जाना पड़ेगा। कोई ओपीडी यहाँ पे नहीं है, आपको इमरजेंसी में जाके उसके बाद आपको डॉक्टर जो है ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत ही बुरा कंडीशन है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे हेल्थ सिस्टम का। तो बस ये है कि अब जैसे तैसे करके चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे पीआर लेके आ भी रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए उनको यहाँ का यहाँ का लाइक यहाँ का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इतना लेंदी प्रोसेस है, तो बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, उसमें इंसान जो है हिम्मत हार जाता है। इनका ही ना कहीं नर्सिंग का हम लोग सोच रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, बट इसमें इतना टाइम लग जाएगा, इतने पैसे भी, सिर्फ टाइम पैसे, नहीं, पैसे हाँ भी और टाइम भी, टाइम दोनों भी, चीज़। और पैसे लगा के टाइम लगा के भी ऐसा है कि एग्ज़ाम एक बहुत, मतलब एक एग्ज़ाम देना होता है एनक्लेक्स, जैसे कि सब हाँ जानते ही हैं, अगर जो नर्सेस मतलब जो भी मेडिकल से रिलेटेड है उनको जान पता ही है, तो वो सुना है कि बहुत टफ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर निकल लेंगे, जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है। अरे लक पे भी डिपेंड करता है, इंसान की किस्मत अगर है तो वो कर लेगा, अदरवाइज वही है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत यहाँ पे ज़्यादा लंबा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है, होना इतना इजी नहीं है, आपको वो शुरू करना होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा आपके बैक होम कंट्री से, वहाँ राइट। से कुछ आपका आएगा यहाँ पे, आपने यहाँ की जहाँ गवर्नमेंट काम को किया है वहाँ से आपको लेटर चाहिए, आपने जहाँ से पढ़ाई की वहाँ से लेटर, इसके लिए आप एक पूरा होल टाइम चाहिए। वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, 1 साल से ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, और पैसे भी लगेंगे, तो उतना इसके लिए भी हम एक अलग पेशेंस वीडियो चाहिए। बनाएंगे, अगर हाँ हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पता चलेगी तो इसके बारे में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप लोग से शेयर करेंगे नर्सिंग का यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑथेंटिक होना ऑथेंटिक चाहिए, होनी चाहिए, तो ऐसा इसलिए जो नहीं। भी हो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे चैनल पे वीडियोस कम आते हैं, फ्रीक्वेंसी कम है हमारे वीडियोस की, क्योंकि हम जो जैसे जैसे हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है, जो जो हमारे लाइफ में चल रहा है, तो उस वही सब चीज़ हम ज़्यादातर चाहते हैं कि शेयर करें आप लोगों से, राइट। तो ये एक चीज़ जो था, हम लोग दोनों सोच रहे थे कि काफ़ी टाइम से कि ये शेयर करेंगे आप लोगों से, तो सोचा कि आज इस बारे में वीडियो बना ही देते हैं। तो बस अब अपना सोच लीजिए, अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे बीमार पड़ना कुड बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा, और कब आप ठीक होगे वो भी पता नहीं है, पता नहीं, क्योंकि राइट। डॉक्टर भी वेट करते हैं आपकी बहुत कंडीशन के ज़्यादा वेट अकॉर्डिंग, करते हैं, ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तब वो कुछ एक्शन लेंगे, अदरवाइज वो वेट करेंगे रेस्ट के लिए, बोलेंगे आपको यही प्रोसेस है। यहाँ जो हम हेल्थ के रिलेटेड आपसे यहाँ का क्या हेल्थ का फैसिलिटी है वो सब आपसे डिस्कस करना चाहते थे। तो आई होप कि आपको हम लोग की वीडियो पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, अगर हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। राइट। तब और तक के लिए बाय, बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, दुआ हाफिज़, में याद रखना। टेक केयर।